हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग देखेंगे क्लास टू की बुक से चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है लोटा लोटा भरें बाल्टी। तो पिछले वीडियो में हमने जो है वस्तुओं को तौलना सीखा कि कौन सी वस्तु कितने किलोग्राम की है, कितने ग्राम की है। और उसके बाद हम आगे चैप्टर में ये देखेंगे कि हम विभिन्न प्रकार के जो द्रव होते हैं, द्रव पदार्थ को हम किस प्रकार से माप सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वस्तुओं को जो है, जो द्रव होती हैं, उनको मापना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आओ एक खेल खेलते हैं। एक बाल्टी में लोटे से तथा दूसरी बाल्टी में गिलास से हम क्या करेंगे, पानी भरेंगे। किस बर्तन में बाल्टी जल्दी भरेगी? अगर आप जो है लोटा से पानी भर रहे हैं और एक गिलास से पानी भर रहे हैं, तो किस बर्तन से आपकी जो है बाल्टी जल्दी भरेगी? तो बाल्टी भरने के लिए आपने दो चीज़ों का प्रयोग किया है, लोटा या गिलास। तो लोटे को गिलास से भरकर देखें तो किसमें ज़्यादा पानी आया, और लोटे में या गिलास में। तो आप देखेंगे कि जब आप लोटा और गिलास दोनों चीज़ों का उपयोग करेंगे तो इस प्रकार से, तो आप देखेंगे कि एक लोटे में दो गिलास पानी आएगा। और तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि लोटे में ज़्यादा पानी आएगा और गिलास में कम पानी आएगा। आप देख रहे हैं गिलास जो होती है वो छोटी होती है यहाँ पर, और लोटा जो है बड़ा होता है। और उसके बाद यहाँ पर है बाल्टी। तो बाल्टी में जब आप लोटे से पानी भरेंगे तो वो जो है जल्दी भर जाएगा, और अगर गिलास से पानी भरेंगे तो यह क्या होगा, देरी से भरेगा। तो इसलिए लोटे का जो है धारिता जो है वो ज़्यादा है, और गिलास की धारिता क्या है वो कम है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको बताना है प्रश्न क्वेश्चन के बारे में, जो हमने अभी तक देखा है इसके बारे में हमको बताना है। पहला क्वेश्चन है, लोटा और गिलास में से किस बर्तन में कम पानी आता है? तो कम पानी किस में आता है, लोटा और गिलास में से? तो यह हो जाएगा गिलास। तो गिलास में जो है हमारा कम पानी आएगा, ठीक। और उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, बाल्टी और लोटे में से किस में अधिक पानी आता है? अधिक पूछा है, ठीक। तो अधिक जो है किस में आएगा, बाल्टी में आएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे बाल्टी। चलिए आगे चलते हैं। सबसे अधिक पानी किस बर्तन में आया? तो जो यहाँ पर सभी बर्तन रखे हुए हैं, इनमें से सबसे अधिक पानी किस बर्तन में आया? तो सबसे बड़ी चीज़ हमारी जो सबसे बड़ी वस्तु है वो क्या है, बाल्टी है। यहाँ पर बाल्टी में ही सबसे ज़्यादा पानी आया, ठीक। सबसे कम पानी किस बर्तन में आया? तो सबसे छोटा हमारा क्या था, गिलास था। तो गिलास में सबसे कम पानी आया, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे गिलास। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आपने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो बर्तन होते हैं वो विभिन्न आकार के होते हैं, और उनमें विभिन्न प्रकार की धारिता होती है, और वे अपनी धारिता के अनुरूप ही द्रव्य को उसमें रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है आओ समझे हैं। अब तक हमने जो देखा है करके, अब उसको अब हम समझते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। किसी बर्तन में जितना पानी, तेल या कोई तरल चीज़ आती है, वह उस बर्तन की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। किसी बर्तन में जितना भी द्रव आएगा, द्रव पदार्थ, तो जो द्रव पदार्थ होगा, जितना उसमें बर्तन में रखा जा सकता है, वही उसकी क्या होती है, धारिता होती है। अब बताओ बाल्टी, लोटा और गिलास में सबसे अधिक धारिता किस बर्तन की है? सबसे अधिक धारिता किसकी है, बाल्टी, क्योंकि बाल्टी में जो है सबसे ज़्यादा पानी जाता है, तो ये बाल्टी हो गया। और सबसे कम धारिता किस बर्तन की है? सबसे कम धारिता जो है गिलास की थी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गिलास, ठीक। चलिए और भी माप। अब
ये तो रहा पानी का माप जो हम खेल खेल में सीख रहे हैं। अब जो है कुछ जगहों पर इन मापों का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर इस प्रकार की धारिता के आधार पर वस्तुओं को जो है मापा जाता है। चलिए, आपके यहाँ दूध वाला किस प्रकार के बर्तन से दूध नापता है? आप देखते होंगे कि बाज़ार में या फिर कहीं कहीं घर पर भी दूध लेके आते हैं, तो वो दूध को नापने के लिए एक जो है बर्तन लिए रहते हैं, जिसमें आप देखेंगे किसी में 50 ml लिखा रहेगा, किसी में 100 ml लिखा रहेगा मिलीलीटर, किसी में 200 ml, किसी में 500 ml और किसी में 1 लीटर। इस प्रकार से धारिता वाले उनके पास बर्तन होते हैं, तो आपको जितना दूध चाहिए होता है आप उनसे कहेंगे, तो इन्हीं धारिता वाले बर्तनों के आधार पर वो आपको दूध निकाल कर दे देंगे। अब तुम तेल की दुकान पर जाते हो तो वहाँ दुकानदार तेल को किससे नापता है? तो आप जानते हैं इन्हीं प्रकार की जो है धारिता वाले बर्तन होते हैं जिसका उपयोग माप के रूप में किया जाता है। आप इस प्रकार के बर्तनों का उपयोग कर करके आप तेल का दुकानदार से खरीदारी कर सकते हैं, आप दुकानदार से तेल खरीद सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं हम आगे। आओ अब 100 मिलीलीटर वाले बर्तन से 1000 मिलीलीटर वाले बर्तन को भरकर देखें। अब जो है 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। क्या होता है? 1 लीटर होता है। आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास जो बर्तन है यहाँ पर है 100 मिलीलीटर का, और इसको हमको जो है 1000 मिलीलीटर वाले बर्तन में जो है भरकर देखना है। तो आप जब इसको भरेंगे, इस बर्तन से इसको जब भरेंगे तो आपको कितना बार लगेगा? आपको 10 बार लगेगा। तो 10 बार में ये 1 लीटर हो जाएगा। तो कितनी बार में भरा हमने? 10 बार में 10 गुणे कितना मिलीलीटर? 100 मिलीलीटर। तो 10 में जब 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 मिलीलीटर, और 1000 मिलीलीटर को ही हम क्या कहते हैं? 1 लीटर कहते हैं। चलिए, ये रहा 1 लीटर और 1 मिलीलीटर में संबंध, जो बहुत ज़रूरी है, आप इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आओ इन्हें जोड़ें। अब जो है मिलीलीटर को जोड़ना सीखते हैं हम, जैसे पिछले वीडियो में हमने किलोग्राम को जोड़ना सीखा था, उसी प्रकार से आज हम मिलीलीटर और लीटर को जोड़ना सीखेंगे। अब एक बोतल में जो है 500 मिलीलीटर पानी भरा है, और उसमें जो है 200 मिलीलीटर और पानी भर दिया गया है, तो बोतल में कुल कितना पानी होगा? तो जब कहीं पर भी कुल पूछता है तो हम क्या कर देते हैं? दी गई मात्रा को जो है हम आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो है 500 मिलीलीटर, उसके बाद धन का निशान, 200 मिलीलीटर। अब इसको हम जोड़ के देख लेते हैं। शून्य में शून्य जोड़ेंगे, शून्य हो जाएगा। फिर शून्य में शून्य जोड़ेंगे, शून्य हो जाएगा। फिर 5 में आप 2 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 5 × 2 = 7। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है अब तुम भी करो, मतलब अब हम लोगों को भी कुछ अभ्यास करने हैं। आइए करके देखते हैं। ललित की भैंस सुबह 15 लीटर, कितना लीटर? 15 लीटर, और शाम को जो है 13 लीटर दूध देती है, वह एक दिन में कुल कितने लीटर दूध देती है? तो जो चीज़ें हमको यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो मात्रक या फिर माप है, उसको हम पहले लिख लेते हैं। कुल पूछा है तो जोड़ना है, ये हो गया मात्रा और ये हो गया मात्रक, तो 15 लीटर हो गया। फिर उसी प्रकार से मात्रा कितनी है इसकी? 13, और मात्रक क्या है? लीटर। तो दोनों लीटर में हैं, तो इसलिए ये आसानी से जुड़ जाएंगे। आइए जोड़ते हैं। 5 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 8, और उसके बाद 1 और 1, 1 1 होता है 2, तो 28 आया। ये इसका जो है माप है, और इसका मात्रक जो है क्या आएगा? लीटर आएगा, क्योंकि हम लीटर में इसको नाप रहे हैं। तो जब आप किसी चीज़ को लीटर में मापेंगे तो वह लीटर में ही आएगा। चलिए आओ घटाएं।
अब जो है घटाने की प्रक्रिया सीखते हैं। अभी तक हमने जोड़ने की प्रक्रिया को सीखा। केतली में जो है 650 मिलीलीटर चाय है। रवि और तनु ने 300 मिलीलीटर चाय पी ली। अब केतली में कितनी चाय बची, बची का मतलब हुआ है कि उसका उपयोग हुआ है, उपयोग होगा तो मतलब वस्तु कम होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 650 मिलीलीटर, यहाँ पर लिखा गया है। और उसके बाद रवि और तनु ने चाय कितनी पी है, 300 मिलीलीटर, तो इसमें से हम 300 मिलीलीटर क्या करेंगे, घटा दें। आइए घटाते हैं, जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो ही बचेगा। और यहाँ पर पाँच है, पाँच में से शून्य गया मतलब कुछ नहीं कम हुआ, तो यहाँ पर पाँच ही बचेगा। छः है, छः में से आप तीन घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा तीन। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आया, 350 मिली लीटर। यह जो है आपकी माप है और यह जो है आपका मात्रक है। ठीक, आगे चलते हैं। तुम भी करो, अब हम लोगों को करना है, आइए देखते हैं क्या करना है हमको। अब्दुल ने अपनी कार में 25 लीटर पेट्रोल डलवाया। तो एक अब्दुल हैं जिन्होंने अपनी कार में जो है 25 लीटर पेट्रोल डलवाया है। दो दिन बाद पता चला कि कार में 18 लीटर पेट्रोल बचा। तो कितने लीटर पेट्रोल खर्च हुआ है, तो बचने की बात है तो इसका मतलब खर्च हुआ है। तो जो खर्च हुआ है उसको हमको निकालना है, क्योंकि 25 लीटर तेल डलवाया गया था, फिर 18 लीटर जो है बचा है, तो हम इसको घटा देंगे। कार में कितना पेट्रोल था, 25 लीटर, और बाद में बचा कितना है, 18 लीटर। तो इसका मतलब जो नहीं है वो हमारा क्या हुआ है, उसको यूज किया गया है, तो खर्च कितना हुआ, चलिए घटा के देखते हैं। 25 में से 18 जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर 5 है और 8 नहीं जाएगा, तो यह बगल से ले आएगा एक उधार, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। और 15 में से जब आप घटाएंगे तो 8 जब इसमें से आप कम करेंगे तो यह हो जाएगा 7। 7 यहाँ पर लीटर है तो लीटर ही रखा जाएगा। और यहाँ पर जो है एक उधार चला गया है, तो एक में से एक जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर शून्य बचेगा। तो इस प्रकार से कितना तेल जो है खर्च हुआ है, वो जो तेल खर्च हुआ है वो है हमारा 7 लीटर। चलिए अब आगे चलते हैं। इस प्रकार से जो क्वेश्चन रहेंगे हम अभ्यास में सॉल्व करेंगे। चलिए अब हमने क्या क्या सीखा है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने सीखा है जिस बर्तन में जितना पानी या द्रव, ये दो चीज़ें हैं, पानी ये कह सकते हैं या फिर द्रव कह सकते हैं, आता है वह उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। धारिता मापने का जो है मानक इकाई जो है वह है लीटर। जो धारिता मापने की मानक इकाई है वो लीटर है, और इसे ली भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लीटर को छोटा कर देते हैं तो ये ली होता है। इससे छोटी इकाई जो होती है जो मिलीलीटर होती है, और इसे मिली या फिर ml, और इसको l, दो प्रकार से लिखते हैं। तो एक लीटर में हमने क्या देखा, 1000 मिलीलीटर, या फिर क्या कह सकते हैं, 1000 मिलीलीटर बराबर क्या होता है, एक लीटर होता है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न अगर आगे कहीं मिलेगा तो हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो अभ्यास प्रश्न में हमारा है पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक लीटर का बर्तन कितनी बार में भरेगा। अगर आपके पास एक लीटर का बर्तन है तो वह कितनी बार में भरेगा। तो आपको जो है एक लीटर का बर्तन एक लेना है, उसके बाद यहाँ पर 500 मिलीलीटर, और उसके बाद 200 मिलीलीटर, और 100 मिलीलीटर के बर्तन आपको ले लेने हैं। तो 500 मिलीलीटर तो हमको जो है भरना है, जब आप भरेंगे 500 प्लस 500 तब यह हो जाएगा 1000। तो हमको 1000 ही करना है, क्योंकि 1000 मिलीलीटर बराबर एक लीटर होगा। तो हमने कितनी बार भरा, यहाँ पर एक बार और दो बार, तो यहाँ पर दो बार भरा जाएगा। उसी प्रकार से 200 मिलीलीटर रहेगा, तो इसको जो है हम कितनी बार भरेंगे, 5 बार भरेंगे। ठीक, क्योंकि जब 200 200 आप जोड़ेंगे 5 बार, 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस
200, कितना हुआ, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 प्लस 200, तो 10 हो गया। अब गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार हमने इसको जब किया तब हमारा जो है 1000 लीटर होगा, और 1000 लीटर होगा तो वो कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर के लिए हमको जो है 10 बार जो है बर्तन से भरना पड़ेगा, तब यह जाकर 1000 मिलीलीटर होगा, और 1000 मिलीलीटर को ही हम क्या कहते हैं, 1 लीटर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक टंकी में जो है 1500 लीटर पानी, और बाल्टी में जो है 10 लीटर पानी, और जग में जो है 2 लीटर पानी है, तो बताओ टंकी, बाल्टी और जग में किसकी धारिता सबसे अधिक है। तो टंकी कितना है, 1500 लीटर, उसके बाद बाल्टी 10 लीटर और जग में 2 लीटर, तो सबसे ज़्यादा धारिता किसकी है, टंकी की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टंकी, ठीक। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, टंकी, बाल्टी और जग में किसकी धारिता सबसे कम है। तो सबसे कम पानी किस में आ रहा है, तो जग में 2 लीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जग, ठीक। तो इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे हम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा है खाली जगह को भरिए। चलिए इसको भरते हैं हम। दिया है 5 लीटर प्लस 3 लीटर, तो 5 में आप 3 जोड़ दीजिए, 5 के बाद 3 और आगे, 6, 7, 8, तो यह हो जाएगा हमारा 8 लीटर। फिर 5 में हमको जो है 2 लीटर जो है कम करना है, तो आप सबसे पहले 5 लाइन खींच लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें से जो है 2 लीटर आप कम कर दीजिए, तो बचा कितना, 1, 2, 3 लीटर। ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, 13 लीटर प्लस 8 लीटर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले 13 लीटर, फिर प्लस यहाँ पर हम लिख देंगे 8 लीटर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 8 में 3 जोड़िए सबसे पहले, 8, 2, 10, 1, 11 हो जाएगा, 11 की 1 हासिल लगा 1, फिर 1, 1, 2, क्या हुआ, 21 लीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 21 लीटर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रमेश ने जो है 200 मिलीलीटर तथा सुरेश ने जो है 100 मिलीलीटर दूध पिया। तो रमेश ने जो है कितना दूध पिया, 200 मिलीलीटर, और सुरेश ने 100 मिलीलीटर दूध पिया। सुरेश ने रमेश से कितने मिलीलीटर दूध कम पिया, तो दोनों ने कुल मिलाकर कितना दूध पिया। यहाँ पर दो क्वेश्चन है कि कितना कम दूध पिया और कुल मिलाकर कितना दूध पिया। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि सुरेश ने रमेश से कितने मिलीलीटर कम दूध पिया। तो सुरेश और रमेश, तो सुरेश पी रहे हैं 100 मिलीलीटर और रमेश पी रहे हैं 200 मिलीलीटर। ये 200 में से हम 100 घटा देंगे सबसे पहले, 200 माइनस 100, तो इसको जब आप करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 0, और 2 में से गए 1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे आ गया 100 मिली लीटर। तो 100 मिली लीटर जो है यहाँ पर दूध जो है रमेश ने ज़्यादा पिया है, और सुरेश ने 100 मिली लीटर दूध क्या है, कम पिया है। दोनों ने मिलाकर कुल कितना दूध पिया है, तो चलिए इसी को हम यहाँ पर जोड़ देंगे क्योंकि दोनों को मिलाकर पूछा गया है। तो इसको अब आप जोड़ेंगे, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो दोनों ने मिला के कुल कितना मिलीलीटर दूध पिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 मिली लीटर, ठीक। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि
मिट्टी के तेल की दुकान से मोहन ने 7 लीटर तेल और सुरेश ने 5 लीटर तेल खरीदा। बताओ दोनों ने कुल कितने लीटर तेल खरीदे। तो जहाँ पर कुल आता है हम आपस में उसको जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7 लीटर और उसमें हम जोड़ देंगे दूसरा 5 लीटर। ठीक, तो हमको पता चल जाएगा कि कुल कितने लीटर जो है तेल दोनों लोगों ने खरीदा है। तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 12 लीटर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आप इसी तरह से अनेक प्रकार की वस्तुओं में कितना लीटर पानी आ रहा है या फिर कितना लीटर उसमें द्रव आ रहा है और लीटर या फिर मिलीलीटर जो भी हो इकाइयां, आप इसको जो है आपस में जोड़कर घटाकर अनेक सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो आप भी इस प्रकार से अपने क्वेश्चंस को घर पे सॉल्व करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।